जय श्री हरि विष्णु, जय सीता राम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी इसी के दो नाम होते हैं। पहला नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और इसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, इसका सबसे पहले पहचान देखते हैं, पहचान क्या तरीका है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है, यानी इसका पहचान इस प्रकार होगा। इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट बनाने क्या तरीका है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या शैल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, विल या शैल दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस भार्व वन, भार्व का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वी वन का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या शैल दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस भार्व वन, भार्व का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। केवल और केवल आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। तो चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। सूर्य पूरब में उगेगा, इसमें उगना क्रिया है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। इसमें देखें उगना क्रिया और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला में बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, इसमें हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ विल लगाएंगे। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भगवान का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज। वी वन का प्रयोग करेंगे, द सन विल राइज। पूरब में, ये हमारा अदर वर्ड है पूरब में, इसकी मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट। द सन विल राइज इन द ईस्ट बनाएंगे, यानी केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं अपना घर बेच दूंगा, इसमें बेचना क्रिया है और क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। तो बेचना क्रिया, क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी लिखेंगे आई, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। आई के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे, यहां लगाएंगे सेल। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भगवान का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेल। भगवान का प्रयोग करेंगे सेल। अपना घर, तो अपना की मीनिंग हमेशा चेंज होते रहता है, आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे, अपना की मीनिंग जो है आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं। अपना घर की मीनिंग लिखेंगे माई होम, यानी अपना की मीनिंग हमेशा चेंज होते रहती है। आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे, ही के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। तो आई सेल, सेल माई होम, तीसरा बनाएंगे, यानी इसके दो नाम होते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या शैल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस भगवान, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड, और आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, और क्या वर्षा होगी, इसमें वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है। इसमें वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है, इस फॉर्मूला बनाएंगे। ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या शैल दोनों में से एक ही लगाएंगे, प्लस भगवान, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड, तो इसी फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखेंगे वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है, तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगाएंगे इट विल। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, रेन मीन्स वर्षा होना। इट विल रेन, यानी वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए
सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। वर्षा नहीं होगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, क्योंकि वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में गी है लगा हुआ है। तो देखेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग कर देंगे। इट, इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद भार्गवन का प्रयोग करेंगे, भार्व का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन। इट विल नॉट रेन, इस तरह से बनाएंगे। भार्गवन का प्रयोग करेंगे, वे लोग यहां नहीं आएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें आना क्रिया और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, आना क्रिया और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाना है, तो दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, दे विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे, नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। उसके बाद भागवन का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आना की मीनिंग लिखेंगे कम। उसके बाद यहां, ये हमारा अदर वर्ड है, तो यहां की मीनिंग लिखेंगे हियर, यहां के मीनिंग लिखेंगे हियर। दे विल नॉट कम हियर, इस तरह से बनाएंगे। शिक्षक विद्यालय नहीं जाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें जाना क्रिया है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है शिक्षक, की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, चूंकि टीचर सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे विल लगाएंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट का प्रयोग कर देंगे नोट। उसके बाद भागवन का प्रयोग करेंगे, भाग का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो जाना की मीनिंग लिखेंगे गो। उसके बाद विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे, जाने के क्रम में टू का प्रयोग करते हैं, गो टू, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल, यानी जाने के क्रम में टू अपने मन से लगाते हैं। द टीचर विल नॉट गो टू स्कूल, भागवन का प्रयोग करेंगे, तुम कब पढ़ोगे, इसमें देखेंगे कब लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखेंगे पढ़ना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, तो देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे लगा रहा है बीच में, तो यही पहले बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तुम की मीनिंग लिखेंगे यू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे यहां पे भगवान लगा देंगे रीड। व्हेन विल यू रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन विल यू रीड, इस तरह बनाएंगे। सीता एक पत्र लिखेगी, इसमें लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है, इसी फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सीता, सीता के साथ एक नाम के साथ व्हील का प्रयोग करेंगे व्हील। उसके बाद भगवान लगा देंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक पत्र, तो एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर। सीता व्हील राइट ए लेटर, इस तरह बनाएंगे, यानी आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल लगा देंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। क्या गाय हरी घास खाएगी, इसमें क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले विल लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ, विल द का। उसके बाद भगवान का प्रयोग कर देंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, ईट। उसके बाद लिखेंगे हरी घास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है हरी घास, तो हरी घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे विल द का ईट ग्रीन ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे, क्या सैनिक देश की रक्षा करेंगे, इसमें रक्षा करना क्रिया है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, रक्षा करना क्रिया और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है,
देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सैनिक की मीनिंग लिखेंगे द सोल्जर, सैनिक की मीनिंग लिखेंगे द सोल्जर, विल द सोल्जर। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, रक्षा करना की मीनिंग लिखेंगे प्रोटेक्ट। उसके बाद देश की मीनिंग लिखेंगे द कंट्री। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, विल द सोल्जर प्रोटेक्ट द कंट्री, सब बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, इसमें घूमना क्रिया है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ, विल द अर्थ। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, घूमना की मीनिंग लिखेंगे रोटेट, यहां लिखेंगे रोटेट। उसके बाद लिखेंगे चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, चारों ओर की मीनिंग लिख देंगे अराउंड। उसके बाद सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, व्हील द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, इस तरह बनेगी। भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रपति, ये हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, विल द प्रेसिडेंट। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट लगा देंगे। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो राष्ट्रीय ध्वज की मीनिंग लिखेंगे दा, दा लगा देंगे। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, विल द प्रेसिडेंट नोट होइस्ट द नेशनल फ्लैग, इस तरह से बनाएंगे। क्या डाकिया पत्र नहीं लाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या लगा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डाकिया, डाकिया की मीनिंग लिखेंगे द पोस्टमैन, पोस्टमैन के पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये खास व्यक्ति होते हैं, अनोखे व्यक्ति होते हैं, इसीलिए पोस्टमैन के पैसे पहले दा लगाते हैं, विल द पोस्टमैन। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट लिख देंगे। उसके बाद भगवान लगा देंगे, लाना की मीनिंग लिखेंगे ब्रिंग, लाना की मीनिंग लिखेंगे ब्रिंग। उसके बाद पत्र की मीनिंग लिखेंगे, पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, विल द पोस्टमैन नॉट ब्रिंग ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चे और देखते हैं एग्जांपल, वे लोग अपना गृह कार्य नहीं करेंगे, इसमें नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें करना क्रिया, क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, इसमें करना क्रिया है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगा देना है, तो दे विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, करना की मीनिंग लिखेंगे डू। उसके बाद अपना, अपना गृह कार्य, ये हमारा अदर वर्ड है, यहां अपना की मीनिंग देंगे देयर, दे के लिए अपना की मीनिंग देयर देते हैं, यानी अपना की मीनिंग हमेशा चेंज होते रहता है, आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, यू के लिए योर का प्रयोग करते हैं, ही के लिए हीज का प्रयोग करते हैं, सी के लिए हर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ अपना की मीनिंग जो है दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, टी एच ई आई आर देयर, देयर। और गृह कार्य की मीनिंग लिखेंगे होमवर्क,
दे विल नॉट डू देयर होमवर्क, इस तरह से बनाएंगे, यानी अपना की मीनिंग जो है दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, दे विल नॉट डू देयर होमवर्क, इस तरह से बनाएंगे। गंगा हिमालय से नहीं निकलेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें निकलना क्रिया है और क्रिया के अंत में गी लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, गंगा की मीनिंग लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है गंगा, गंगा हमारा सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द गंगा, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे विल, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद भगवान लगा देंगे, भर का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे भगवान लगा देंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे और गी नेट, O R I G I N A T E, ऑर्गिनेट भगवान का प्रयोग करेंगे, द गंगा विल नॉट ऑर्गिनेट, से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद हिमालय की मीनिंग लिखेंगे द हिमालय, द लगा देंगे, द गंगा विल नॉट ऑर्गिनेट, निकलना के मीनिंग लिखेंगे ऑर्गिनेट, ओ आर आई जी आई एन ए टी, ऑर्गिनेट फ्रॉम द हिमालय, इस तरह बनाएंगे, क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है इसीलिए इसके नाम के पहले द लगाएंगे, द गंगा विल नॉट ऑर्गिनेट फ्रॉम द हिमालय, गंगा हिमालय से कब निकलेगी, यहाँ पे कब लगा हुआ है, तो इस तरह के वाक्य में, इस तरह के सेंटेंस में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे बीच में लगा रहे, तो पहले यहीं बनाएंगे कब की मीनिंग लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल का प्रयोग कर देंगे क्योंकि गंगा के साथ विल का प्रयोग करते हैं, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा द गंगा, व्हेन विल द गंगा, उसके बाद भगवान लगा देंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, निकलना की मीनिंग लिखेंगे ऑरिजिनेट, O-R-I-G-I-N-A-T, ऑर्गिनेट, उसके बाद से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद हिमालय की मीनिंग लिखेंगे द हिमालयाज, यहां लिखेंगे द हिमालयाज, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हेन विल द गंगा ऑर्गिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, यानी भगवान का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद विल लगाएंगे, व्हेन विल द गंगा ऑर्गिनेट फ्रॉम द हिमालय, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या छात्र कलम से लिखेंगे, इसमें देखेंगे लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे छात्र की मीनिंग द स्टूडेंट, विल द स्टूडेंट, उसके बाद भगवान लगा देंगे, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, उसके बाद देखेंगे कलम से, ये हमारा ऑब्जेक्ट या वर्ड है तो लिखेंगे कलम से की मीनिंग विथ ए पेन, विद ए पेन, कलम से की मीनिंग लिखेंगे विद ए पेन, विल द स्टूडेंट राइट विद ए पेन, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, Will the student write with a pen? कलम से की मीनिंग लिखेंगे with a pen. तो चलिए बच्चों देखते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें जाना क्रिया है और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है भारत के प्रधानमंत्री, ये हमारा सब्जेक्ट है भारत के प्रधानमंत्री, तो यहां से बनाएंगे लिखेंगे द प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ के की मीनिंग लिखेंगे ऑफ इंडिया, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट, उसके बाद भगवान लगा देंगे, जाना की मीनिंग लिखेंगे गो, उसके बाद टू अपने मन से लगाते, जाने के क्रम में टू का प्रयोग करते, गो टू अमेरिका, अमेरिका लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल नॉट गो टू अमेरिका, इस तरह से बनाएंगे, यानी केवल आई और वी के साथ सेल लगा देंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाना है, क्या प्राचार्य विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल,
विल द प्रिंसिपल, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट, उसके बाद भागवन लगा देंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, उसके बाद विज्ञान की मीनिंग लिखेंगे साइंस। विल द प्रिंसिपल नॉट टीच साइंस, इस तरह से बनाएंगे। घोड़ा घास कब खाएगा, कब लगा हुआ है यहां पे, तो इस तरह के बाकी मेटालिएशन में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे लगा रहे थे यही बनाएंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स। व्हेन विल द हॉर्स, उसके बाद भगवान लगा देंगे तो खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, उसके बाद घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। व्हेन विल द हॉर्स ईट ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। मोना भगवान कृष्ण की पूजा कब करेगी, यहां पे कब लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब करेगी, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले यहां से बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल लगा देंगे, विल लगा देते हैं यहां पे व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मोना, व्हेन विल मोना, उसके बाद भगवान लगा देंगे पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे, भगवान का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे वर्सी। व्हेन विल मोना वर्शिप की मीनिंग लिखेंगे ऑफ भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की मीनिंग लिखेंगे द गॉड कृष्ण, द गॉड कृष्ण, भगवान की मीनिंग लिखेंगे द गॉड कृष्ण, इस तरह बनाएंगे। व्हेन विल मोना वर्शिप ऑफ द गॉड कृष्ण, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चे और देखते हैं आगे, बच्चे ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, इसमें प्रार्थना करना क्रिया और क्रिया के अंत में गे लगा हुआ है। बच्चे ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे चिल्ड्रेन विल, उसके बाद भगवान का प्रयोग कर देंगे तो प्रार्थना करना की मीनिंग लिखेंगे प्रे, की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, ईश्वर की मीनिंग लिखेंगे द गॉड। चिल्ड्रेन विल प्रे ऑफ द गॉड, इस तरह से बनाएंगे। क्या कभी एक कविता नहीं लिखेगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कवि की मीनिंग लिखेंगे द पोएट, विल द पोएट नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट, विल द पोएट नोट, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, लिखना की मीनिंग लिख देंगे राइट, कविता, एक कविता की मीनिंग लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक कविता की मीनिंग लिखेंगे ए पोएम, विल द पोएट नॉट राइट ए पोएम, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। किसान लोग, यानी बहुत सारे किसान है, प्लुरल है, किसान लोग धान की खेती कब करेंगे, यहाँ पे कब लगा हुआ है, तो इस तरह के बाग में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे बीच में लगा रहे थे, इस बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है किसान लोग, यानी फार्मर्स लिखेंगे, किसान लोग बहुत सारे हैं। When will farmers, उसके बाद भगवान लगा देंगे, भगवान का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खेती करना की मीनिंग लिखेंगे फार्मिंग, ये भगवान है, खेती करना की मीनिंग लिखेंगे फार्मिंग या कल्टीवेट भी लिख सकते हैं, कल्टीवेट या फार्मिंग। When will farmers farming की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, और धान की मीनिंग लिख देंगे पेडी। When will farmers farming of paddy, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हम लोग इस देश को नहीं छोड़ेंगे, इसमें नहीं लगा हुआ निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम लोग की मीनिंग लिखेंगे वी, वी के साथ सेल का प्रयोग करते, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाएंगे,
केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वी लगा हुआ तो वी के साथ सेल लगा देंगे, वी सेल उसका नहीं की मीनिंग नोट लिख देंगे नोट, उसके बाद छोड़ना की मीनिंग लिखेंगे लीव एल ई ए वी लीव मी छोड़ना, उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, इस देश की मीनिंग लिखेंगे दिस कंट्री, वी सेल नॉट लिव टू दिस कंट्री, को की मीनिंग टू लिखेंगे, वी सेल नॉट लिव टू दिस कंट्री, सब बनाएंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चे और देख लेते हैं एग्जांपल। शेर हिरन का शिकार क्यों करेगा, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो यहीं से बनाएंगे इस तरह के वाक्य में सेंटेंस में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे लगा रहे हैं तो यहीं से बनाएंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग भाव विल का प्रयोग करेंगे व्हाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन, व्हाई विल द लायन, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट हंट, उसके बाद का की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, उसके बाद हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर, Why will the lion hunt of the deer? इस तरह बनाएंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम अपना पाठ कब याद करोगे, कब याद करोगे, यहाँ पे कब लगा हुआ है तो पहले यहीं से बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, कब की मीनिंग लिखेंगे when, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे when will, उसके बाद तुम की मीनिंग लिखेंगे you, When will you, उसके बाद याद करना की मीनिंग लिखेंगे भरवन लगाएंगे, याद करना की मीनिंग लिखेंगे remember, When will you remember, अपना पार्ट, यहाँ अपना की मीनिंग जो है यू के लिए योर का प्रयोग करेंगे, अपना की मीनिंग हमेशा चेंज होते रहती है, आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं, दे के बदले देयर का प्रयोग करते हैं, ही के बदले हिज का प्रयोग करते हैं, सी के बदले हर का प्रयोग करते हैं, और यू के बदले जो है योर का प्रयोग करते हैं, अपना के मीनिंग यू के बदले योर लगाएंगे, पार्ट की मीनिंग लिखेंगे लेसन, व्हेन विल यू रिमेंबर योर लेसन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हेन विल यू रिमेंबर योर लेसन, ईश्वर पशुओं की रक्षा कब करेंगे, यहाँ पे कब लगा हुआ है तो पहले यहीं बनाएंगे कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे विल लगा देंगे व्हेन विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ईश्वर, ईश्वर की मीनिंग लिखेंगे द गॉड, व्हेन विल द गॉड, उसके बाद भगवान लगा देंगे, रक्षा करना की मीनिंग लिखेंगे प्रोटेक्ट की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, पशुओं की मीनिंग लिखेंगे एनिमल्स, When will the God protect of animals? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मैं चाय पीऊंगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है और अंत में गा लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ जो है सेल का प्रयोग करेंगे सेल, हेल्पिंग भाव लगाएंगे सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, सेल आई, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ जो है सेल का प्रयोग करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेल को पहले लिखेंगे सेल आई, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे चाय पीना की मीनिंग लिखेंगे, भगवान का प्रयोग करेंगे टेक टी, सेल आई टेक टी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे सेल आई टेक टी, मोना हल्कू को गाली कब देगी, मोना हल्कू को गाली कब देगी, इसमें कब लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी बीच में कब लगा हुआ है, तो इस तरह के वाक्य में सेंटेंस में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे बीच में लगा रहे तो पहले यहीं बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सभी के साथ विल लगाते हैं, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं, When will, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे गाली देना की मीनिंग लिखेंगे abuse,
फ्रेन विल मोना एब्यूज, उसके बाद को के मीनिंग लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे हल्कू। When will Mona abuse to Halku? इस तरह बनाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी भागवन का प्रयोग करेंगे, इसमें भागवन का प्रयोग करते हैं। When will Mona abuse to Halku? इस तरह बनाएंगे, यानी केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और इसका इस पहचान इस प्रकार, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है। और इसका बनाने का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगाते हैं, प्लस भर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड।